नमस्कार, मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ जो 28 नवंबर के बीच में स्टार्ट किया हूँ क्लास, और हमें आईसी के आइडेंटिफिकेशन के बाद आज एक मौका मिला है जो आईसी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ चार्जिंग सेक्शन का लाइन कहाँ कहाँ जाती है, कौन कौन सा पेड़ में जाती है, जो पीएमआई आईसी होती है जो चार्जिंग सेक्शन से कनेक्टेड है, और वो आईसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो आईसी में मिलता है, और मैं आपको वो सारी पेड़ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पेड़ से रिलेटेड है और चार्जिंग सेक्शन का कहाँ कहाँ से वो कनेक्शन रहते हैं। तो पहला हमारा तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे पीएमआई 632 का जो आईसी है, आईसी के अंदर ऐसे सब बोल देते हैं, जो पॉइंट रहते हैं आपको फाइंड आउट करके पता लगाना होता है कि चार्जिंग सेक्शन का लाइन कहाँ से कहाँ तक जाता है और कौन सा बॉल पे जाता है। तो पहले अपना ये हो गया बीबेट का, ये हमारा बीबेट का जो पिन रहता है 1 2 3 4 5 है, और बैट थम्स का, बैट आईडी का, ये दो लाइन है। हाँ, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, हाँ बूट कैप, ये जो ये लाइन है, ये स्विचिंग का लाइन है, ये स्विचिंग का लाइन है, ये स्विचिंग का लाइन है, यूएसबी का लाइन है, ये यूएसबी का पॉइंट है, ये यूएसबी का पॉइंट है, ये आईडी का पॉइंट है, और डीएमपी का डी प्लस डी माइनस, ये दो पॉइंट है, ये एक 70 का जो ब्लैक कलर का वो भी है, और हमारा मिड 1 2 ये तीनों लाइन है। ये सारी लाइनें अपना चार्जिंग सेक्शन में कनेक्टेड है, जो एसए टेलीकॉम ने हमको नॉलेज दिया है उसी के आधार में हम लोग चार्जिंग सेक्शन निकल के हम लोग वहां पे कनेक्शन कर सकते हैं। जी सर, जी सर, मैं डाउनलोड किया गूगल पे, और पूरी की पूरी जानकारी इसमें से हमको मिल जाती है, और पूरी लाइन हम लोग टेस्टिंग करके यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और राइट चार्जिंग सेक्शन का कितना भी फॉल्ट आए कोई प्रॉब्लम है वो चार्जिंग सेक्शन बना सकते हैं, ये एशिया टेलीकॉम ने हमको ये नॉलेज दिया है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एशिया टेलीकॉम को जो इतना जानकारी दिया है आईसी के बारे में। आईसी तो आइडेंटिफिकेशन सब लोग करते हैं, लेकिन पेड़ों के पेड़ होते हैं ऐसी पेड़ किसी को नॉलेज नहीं देते, जो एशिया टेलीकॉम के पास बहुत सारी नॉलेज है और मुझे वो मिली है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एशिया टेलीकॉम। मेरा नाम है राठौर महावीर, मैं हूँ गुजरात से, 28 नवंबर की बेंच एशिया टेलीकॉम से। सर, मैं आज चार्जिंग आईसी के बारे में बताने वाला हूँ, और चलिए देखते हैं। ये हमारे चार्जिंग आईसी के वी बैट लाइन है जो ये पांच पिन के अंदर आती है, और हमारी दूसरी जो लाइन है वो बेहतर डेटा आईडी की लाइन है, ये जो पेड़ के अंदर आती है, और दूसरी जो लाइन होती है यूएसबी की, जो हम डेटा ट्रांसफर डेटा अपने कंप्यूटर से जो ट्रांसफर करते हैं वो है ये लाइन यूएसबी डी प्लस, यूएसबी डी माइनस, और जो पावर बोर्ड की जो लाइन आती है चार्जिंग के अंदर वो पावर बोर्ड की लाइन है WVV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 V
टू 0.6 वोल्ट जाते हैं और ये हमारा यूएसबी इन है जिसमें 5 वोल्ट जाते हैं। और इस नॉलेज के लिए मैं एशिया टेलीकॉम्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और हमारा ये जो है वीबेट सेंस का है जो अपने चार्जिंग को रिसीव और ये अपना वीपी का ये हमारी यूएसबी की एमआईडी लाइन जो आती है ये। और इसके लिए एशिया टेलीकॉम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और थैंक्स टू देव सर को जो इतना नॉलेज देने के लिए। हेलो, मेरा नाम है ललित प्रजापत और मैं हूँ राजस्थान जयपुर से। और ये मेरे सामने है BMI की एक IC जिसके अंदर ग्राफिक IC, लाइट IC और चार्जिंग IC इनके सारे मिक्स में पॉइंट है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें चार्जिंग IC के पॉइंट कौन कौन से हैं। और ये जो हमें रेड कलर के पॉइंट दिख रहे हैं ये चार्जिंग IC के बी बैट के थर्म के पॉइंट है। और ये जो पीले कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सारी बी बैट थर्म IT की लाइन है। और ये जो हमें व्हाइट कलर में SOS की लाइन दिख रही है और ये बूट पावर की आ गई। और इधर ये USB DP DM की लाइन आ गई और इधर BPS पावर की लाइन आ गई। और इधर से ये हमारी USB इन MID2 और MID1 इनकी लाइन आ गई। और ये हमारी VRV की लाइन आ गई, ये बूट कैप की लाइन आ गई। और ये VSW चार्जिंग की लाइन आ गई। और ये हमारी VPS पावर 2 VPS पावर 1 की लाइन आ गई। और ये USB इन की लाइन आ गई। और ये हो गया पूरी, ये CC1 ID की लाइन आ गई। ठीक, इस प्रकार से हमारी ये चार्जिंग IC के जो पॉइंट है ये पूरे हो गए हैं। सर, शमशाद आलम बिहार से, मैं 28 नवंबर का बैच का स्टूडेंट हूँ एशिया टेलीकॉम। मैं आज PMI की 632 जो है डाटा सीट इसके बारे में बताना चाहता हूँ, कौन कौन सी चार्जिंग की बॉल है। ये आपका वीबेट सेंस का है, वीबेट आईडी का है, ये स्विचिंग का है, ये इनपुट का है, ये भी है। और USB DP DM, USB इन टू इन वन भी है, ये मिड का है, तीन टू VPS का है, VPS का और
का है। इस तरह से हमारा चार्जिंग सेंस पूरा हुआ। तो ये नॉलेज आपको पूरी आईसी में सेलेक्ट करके पैड्स निकाल रहे हैं, ऐसा नॉलेज आपको कैसा मिला? ये सर एशिया टेलीकॉम के नॉलेज की बदौलत हमको ये मिला है। अच्छा, इसके पहले कभी आप आईसी को पढ़ पाते थे? आपकी इस लेवल पर आपकी स्थिति क्या थी? आप जब यहाँ आए थे तो आपको ये स्थिति थी आपकी? नहीं सर, जब हम आए थे यहाँ पे तो हमको ये कुछ नहीं मालूम था कि आईसी का पैड कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे चेक किया जाता है, इस कुछ नहीं मालूम था सर मेरे को। तो अभी के नॉलेज के लिए क्या बोलेंगे? अभी के नॉलेज के लिए मैं एशिया टेलीकॉम और स्पेशली दिया सर के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। हेलो सर, मेरा नाम सोनू सर, मैं बिहार से हूँ और मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ सर, और मैं 28 नंबर की बैच से मैंने क्लास ज्वाइन किया है। और ये हमारे PMI IC है, इसमें लाइट, ग्राफिक्स, वन चार्जिंग वार्जिंग सब इसमें मतलब आता है। तो ये 632 नंबर के PMI IC है, इसमें से मेरे को चार्जिंग का प्रॉब्लम आया है, तो मैं इसका चार्जिंग पैड लाइन को मैं बाहर निकालूंगा कि इसमें से मेरा कौन कौन चार्जिंग का काम है, तो मैं इसको अभी चेक करके सर निकालूंगा। और मैं इस एशिया टेलीकॉम की टीम को सर दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासतौर हमारे देव सर से जो हमें आज इस काबिल बनाया है। कि सर ये तो मुझे शुरू में कुछ पता ही नहीं था कि आईसी का पेड लाइन क्या होता है, ये क्या काम करती है, ये कौन सी आईसी है, मुझे कुछ पता वता नहीं था सर। आज मैं इधर आया तो मुझे पता चला, तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, ये हमारे सारे एशिया टेलीकॉम के टीम्स, थैंक यू सर। हेलो, मैं सनी शर्मा UP से, मैं आज आपको बताने वाला हूँ PMI 632, जो मल्टी फंक्शनल आईसी है, जिसमें हमारे चार्जिंग आईसी भी इसी के अंदर लगाया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या काम करती है, कौन सी बॉल कैसे वर्क कर रही है। तो जो हमारा ये रेड कलर में जितने भी बॉल हैं, ये हमारी होगी वी बैट की बॉल्स हैं। तो हमारा एक होता है बैट सेंस, जो सेंस करती है हमारा वी बैट कैसी है क्या, तो वो एक ही बॉल अभी इसमें यूज हुआ है एक ही, तो वो हो गया हमारी वी बैट की सेंस। तो इसमें VPS का भी यूज हुआ है, जो ग्रीन कलर में हम देख सकते हैं 57, 56 और 55 हो गए हमारे VPS। तो VPS भी इसमें है, बैट थर्म ID जो होती है वो येलो कलर से हमें इसमें दिखाया गया है, और बैट थर्म भी इसमें लगाया गया है। तो बैट थर्म, बैट ID, उसके बाद बैट सेंस, वी बैट्स, VPS हो गए। तो एक बॉल हमारी है बूट पावर की, एक बॉल हमारी यूज की गई है बूट कैप की, और तीन बॉल यूज की गई है स्विचिंग के लिए, और तीन बॉल यूज की गई है मिड के लिए, जो मिड इन है। तो इसमें से कोई भी अगर बॉल हमारी मिस्टेक होती है, ब्रेक होती है, तो सबसे पहले उसको जानकारी के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एशिया टेलीकॉम। जो इस बॉल के बारे में अगर आपको सबसे अच्छे तरीके से पता करना है, तो आप ज्वाइन करें आज ही, जो बैच हमारी नई आने वाली है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी बॉल क्या काम कर रही है। और एक होती है इसमें हो गई USB इन भी हो गए बॉल, और सबसे पहले एक USB DP और USB DM होता है। DP मतलब डाटा प्लस और DM मतलब डाटा माइनस। तो ये दो बॉल स्लो चार्ज होने लगेंगे अगर जो ये निकल गए, हमारे इसमें मिस्टेक हो गए, जितने भी स्लो चार्ज हो रहे हैं आपके यही बॉल के मिस्टेक से हो रहे हैं। अगर जो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे क्या हो रही है, कैसे वर्क कर रही है, आपको ये जानना है, तो आज ही ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट, जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। धन्यवाद, और मैं इंस्टीट्यूट के सभी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू देव सर, सभी टीम्स को थैंक यू। मेरा नाम है मिंटू, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, और जो PMI 632 का IC है, जो चार्जिंग इसमें काम आता है इस IC से, उसको मार्क कर दूँगा। ये सर VBAT का लाइन, और ये सर सेंस का लाइन है सर, और ये USB DPDM, और तीनों सर VPH, और तीनों सर USB, और सर ID सर VBAT, बैट थंब, बैट ID, SOS, ये सर BCW, और CCID सर, बूट कैप, बूट पावर, फेड रैम है सर, फेड रैम, और USB मिड MID। आईसी का पैड मतलब काउंट करना, चार्जिंग आईसी जो सीखा है सर, वो सरदेव सर से सर पूरा मिल गया है सर। चार्जिंग के जितने भी सर पैड है ऐसे टेलीकॉम को सर, मेरा तहे दिल से शुक्रिया है सर। हेलो नमस्ते, मेरा नाम सुनील, म नेपालबाट, र म यहाँ एशिया टेलिकम November 28 को स्टुडेन्टको ब्याच हो, र हाम्रो November 28 को दिन हाम्रो रिबलिङको क्लास थियो, र सेकेन्ड दिन हाम्रो युनिभर्सल स्टेन्सिलबाट CPU रिबलिङको क्लास थियो, र तेस्रो दिन हाम्रो लाइफ सेटबाट पावर आइसी निकालेर फेरि लगाएर अन गराउने क्लास थियो, र त्यो हामीले राम्रोसँगै गऱ्यौँ, अनै गरायौँ, र चौथो दिन हाम्रो CPU लाइभ CPU निकाल्ने क्लास थियो, र हामीले त्यो निकालेर अन गरायौँ, र
स्पेशल थ्याङ्क्स टु एसिया टेलिकम त अहिलेसम्म मलाई यतिको यति भयो म चार पाँच दिनभित्रमा आएर त्यो सिक्न पाएर अहिले मैले यो हाम्रो चार्जिङ सेक्सन हिजो हाम्रो चार्जिङ सेक्सन थियो र चार्जिङ सेक्सन सम्बन्धी यताउता कुराहरू हामीले सबै देव सरले हामीलाई एकदम राम्रोसँग सम्झाउनु भयो र मैले अहिले एउटा यो चार्जिङको हामीलाई फेरि यो चार्जिङ सेक्सन यो चार्जिङ आइसी यो उता यो चार्जिङ आइसी होइन भनेर सिकाउनलाई हामीलाई सिपियुज वाइज पढाउनु भएको छ र हामीलाई चिन्न पनि एकदम सजिलो भइरहेको छ र त्यस्तै अनुसार मैले एउटा चार्जिङको यो डाउनलोड गरेर डाउनलोड गरेको छु र मलाई यति सजिलो भइरह कि चार्जिङको सेक्सन कुन हो यो मध्ये चार्जिङ सेक्सन कुन होइन भनेर मैले एक एक छुट्टाएर मेरो चार्जिङ फल्ट के समस्या छ चार्जिङमा म सबै राम्रोसँग बनाउँछु र स्पेसल थ्याङ्क टु एसिया टेलिकम अहिलेसम्म यति गराएकोमा स्पेसल थ्याङ्क टु देव सर थ्याङ्क यू।